हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम मंत्रा स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी के लिए हम 11 अप्रैल 2019 का बेहतरीन करंट अफेयर लाए हुए हैं। कृपया वीडियो को पूरा देखें क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है, यह किसी भी एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें, ऑप्शन डिसलाइक करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लाल बटन को दबाएं और सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को, और इस बगल वाली घंटी को बजा दीजिए और हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए और लगातार नए लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, 11 अप्रैल 2019 का जो पहला प्रश्न आप सबके लिए दिया गया है, वह दिया गया है चुनाव आयोग द्वारा हाल ही में किस राजनेता पर बनाई गई बायोपिक को रिलीज करने पर रोक लगा दी गई है। जी हाँ, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा नरेंद्र मोदी पर जो बनाई गई पिक्चर थी विवेक ओबराय द्वारा, 11 को रिलीज होने वाली थी लेकिन अब रिलीज नहीं होगी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वह दिया गया है यूनिसेफ द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस देश के 1.9 करोड़ बच्चों पर जलवायु परिवर्तन के कारण खतरा मंडरा रहा है। तो ये देखिए, यूनिसेफ के द्वारा रिपोर्ट दी गई है जिसमें 1.9 करोड़ बच्चों पर जलवायु परिवर्तन कारण खतरा मंडरा रहा है, वह कौन सा देश है? तो वह बांग्लादेश है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। अगला प्रश्न है उसको देख लीजिए। वह दिया गया है भारत के वर्तमान रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कौन है? तो देखिए, इसमें भारत के वर्तमान रजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त कौन है? तो जो है वह विवेक जोशी जी। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, विवेक जोशी। ठीक है दोस्तों, विवेक जोशी हैं। अगला प्रश्न उसको देखते हैं। वह दिया गया है हाल ही में सेना में शामिल की गई पहली स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की तोप का नाम बताइए। तो जो अभी स्वदेश द्वारा निर्मित तोप दी गई भारत को वह है धनुष। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, धनुष। ठीक है, जो अभी सेना में शामिल कर ली गई है। अगला प्रश्न उसको देखते हैं। वह दिया गया है हाल ही में किस कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के में यह कहा गया है कि पति अथवा रिश्तेदार की क्रूरता के कारण ससुराल से निकाली गई पीड़िता पत्नियां अपने आश्रय स्थल या अपने माता पिता के घर से आईपीसी की धारा 498A के तहत मुकदमा दर्ज करा सकती है। तो ये किसने कहा है दोस्तों? तो ये सीधे सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, सुप्रीम कोर्ट। अगला प्रश्न उसको देखते हुए दिया गया है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने हाल ही में किस राज्य सरकार पर अवैध रेत खनन के लिए 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो 100 करोड़ रुपए का जुर्माना किसके ऊपर लगाया गया दोस्तों, अवैध रेत खनन के लिए? तो ये आंध्र प्रदेश पे लगाया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न उसको देख लीजिए। वह दिया गया निम्न में से किस दिन विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है दोस्तों होम्योपैथिक दिवस? तो 10 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, 10 अप्रैल। अगला प्रश्न है वह है विश्व होम्योपैथ दिवस पर 2 दिवसीय वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ पर किया गया दोस्तों? यह लखनऊ दिल्ली में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही है, नई दिल्ली। ठीक है, अगला प्रश्न उसको देख लीजिए। वह दिया गया है भारत और किस देश की सेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र झांसी की बबीना में शुरुआत हुई है? तो किस देशों की दो सेनाओं के बीच हुई है? तो ये भारत और सिंगापुर के बीच हुई है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही है, सिंगापुर, जिसके बीच में नाम क्या दिया गया, बोल्ड कुरुक्षेत्र में हो गई। ठीक है, अगला प्रश्न उसको देखिए। वह दिया गया है 2019 में मीडिया में आजीवन योगदान के लिए ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे दिया गया है दोस्तों? ये महेंद्र मोहन गुप्ता को दिया गया है मीडिया में आजीवन योगदान के लिए ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन की तरफ से। ठीक है, अगला प्रश्न उसे देखिए। वह दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत का विकास अनुमान 0.2% घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो कितने प्रतिशत कर दिया है दोस्तों? ये 7.3 कर दिया, पहले 7.4 का था IMF के अनुसार 2019-20 के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न उसे देखिए। वह दिया गया है विश्व बैंक के नवीनतम प्रवासन और विकास संक्षिप्त के अनुसार किस देश को प्रेषण के शीर्ष प्राप्तकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किस देश को किया गया दोस्तों? तो भारत। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, भारत। ठीक है, अगला प्रश्न उसे देखते हैं। वह दिया गया है हाल ही में किस यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए शोध में एक ऐसे तत्व के बारे में पता चला है जो एक ही समय पर कठोर एवं तरल दोनों हैं? तो किस यूनिवर्सिटी द्वारा शोध किया गया है? तो यह किया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ
एडिनबर्ग के द्वारा किया गया है, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग द्वारा यह खोज की गई है कि जो पदार्थ है वह ठोस और तरल दोनों अवस्थाओं में रह सकता है। अगला प्रश्न उसे देखिए, वह दिया गया है किस राज्य सरकार ने चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पुरैची तलैवर डॉक्टर MGR सेंट्रल रेलवे स्टेशन कर दिया है। तो किसने किया है दोस्तों, यह तमिलनाडु सरकार ने किया है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, तमिलनाडु सरकार। ठीक है, अगला प्रश्न उसे देख लीजिए, वह दिया गया है निम्नलिखित में से किसने 9 अप्रैल 2019 को अपना 54वां वीरता दिवस मनाया है। तो किसने मनाया दोस्तों, तो CRPF ने मनाया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, CRPF। अगला प्रश्न उसे देख लीजिए, वह दिया गया है केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF के 100 दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने CRPF शहीद परिवार की मदद के लिए किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो किस नाम से किया गया है, तो CRPF वीर परिवार के नाम से किया गया है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, CRPF वीर परिवार। तो बहुत बहुत धन्यवाद, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं किसी और वीडियो से, धन्यवाद।